They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me. हेलो फ्रेंड्स, आज ये देख सकते हैं हमारे पास एक आईसीआई कैल्डी का बॉलर है और आज हम इसके थिकनेस टेस्ट करने लगे हैं। तो ये हमारे पास थिकनेस किट है अल्ट्रासोनिक, ये उसका डिस्प्ले विद प्रॉप और ये उसका लिक्विड। तो ये डिफरेंट हम लोग ट्यूब्स जो हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब्स हैं जिसमें हमारा फायर जो है वो मूव करता है, और ये इसकी फ्रंट जो प्लेट है, तो फ्रंट प्लेट, ट्यूब्स और बैक प्लेट और जो अंदर फायर शेल है, हम लोग इसकी थिकनेस लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि जो थिकनेस इसकी सिस्टम है करंटली वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है ASME की, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनके मुताबिक है कि नहीं, यानी बॉलर सेफली रन हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कंपनी को इसकी रिकमेंडेशन हमें अपने एक लेटर में देनी पड़ती है, हमें, यानी आप उसको सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, जो कि स्पेशली साइंड बाय ASME मेंबर होता है। तो मैं खुद भी ASME का मेंबर हूँ, तो इसलिए उसके स्टैंडर्ड्स मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूँगा। तो हम लोग डिफरेंट ट्यूब्स की सिलेक्ट करते हैं, दो तीन फ्रंट से और दो तीन बैक साइड से, जिसकी हम लोग थिकनेस लेते हैं कि उसकी थिकनेस जो आ रही है वो एक्यूरेट है या उसमें कितना जो है वो कमी आई है कुछ टाइम में। क्योंकि आप इसको यूज़ करते हैं बॉलर को, तो टाइम के साथ साथ इसकी पाइप की जो थिकनेस है वो कम होने लगती है, तो हमें उस चीज़ को उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि जी वो डेंजरस तो नहीं है विद द टाइम के साथ साथ। तो इसलिए हम हर साल बाद कह सकते हैं या 6 से 8 महीने बाद हम जब बॉयलर की ट्यूब्स क्लीनिंग करते हैं या हाइड्रो टेस्ट करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें लाजमी चेक करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब है, आपने थोड़ा सा ये लिक्विड लेना, मैं आपकी डिटेल जो है इनके साथ आप शेयर करूँगा आपकी। तो इस पर थोड़ा सा आप लिक्विड जस्ट प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो है ना वो, अब आपने इसको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ऑन करके आपको जहाँ भी आपने थिकनेस लेनी है, लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ प्लेट की थिकनेस लेनी है तो मैं इसको वहाँ प्रेस करवाऊँगा विद लिक्विड, और यहाँ पर मैं जो है थिकनेस देख सकता हूँ उसकी। आई थिंक प्रॉपरली प्रेस नहीं हुई, भी ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन करेगा। अब हम इसको, अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसने mm में 14.64 mm जो है वो इस प्लेट की थिकनेस बता रहा है, फ्रंट जो प्लेट है। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो है ना थिकनेस टेस्ट करते हैं, फ्रंट प्लेट की, ट्यूब्स की, और इसके अंदर जो फायर शेल है बैक साइड से, लेकिन तो वो फिर हम अपनी एक रिपोर्ट में मेंशन करते हैं और उसमें हम बताते हैं कि आप जो करंट साइजेस हैं ट्यूब्स के या प्लेट के वो बिल्कुल परफेक्ट हैं या नहीं है। तो बाकी इसकी कैलिब्रेशन होती है, आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर डिफरेंट बटन्स हैं ऑन ऑफ का और कैलिब्रेशंस का, तो आप इसके अंदर अपनी कैलिब्रेशन सेट करते हैं कि आपको साइजेस कौन से चाहिए।